हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीज फूड स्टेशन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दो तरह की चटनी की रेसिपी। अक्सर जब हम हरी चटनी बनाते हैं तो उसका कलर थोड़ा काला काला सा हो जाता है, पर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ऐसी टिप्स जिससे आपकी चटनी का कलर एकदम ब्राइट ग्रीन कलर का होगा। और दूसरी जो चटनी मैं लेकर आई हूँ वो है खजूर, इमली और गुड़ की चटनी। इस चटनी की भी मैं आपके लिए एकदम क्विक और आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। इस चटनी को आप एक बार बनाकर कम से कम 2 से 3 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हरी चटनी की तैयारी करेंगे, तो इसके लिए हम ले लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर जार और इसमें हम डाल देंगे 3 हरी मिर्च, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 लहसुन की कलियाँ। अब हम इसमें डाल देंगे 1 मुट्ठी भरकर पुदीने के पत्ते, और जितना हमने पुदीना डाला है उसकी डबल क्वांटिटी में हम इसमें डाल देंगे धनिया, हरा धनिया, इसे हमने पहले से ही धो के रखा हुआ था। अब हम इसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक का और 1/4 टीस्पून जीरा और आधा नींबू का रस भी हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे पीसने से पहले वो टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम इसमें लेंगे आइस क्यूब्स। अगर आइस क्यूब्स आपके पास नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, फ्रिज का एकदम चिल्ड वाटर ले लीजिए, क्योंकि जब हम मिक्सी को चलाते हैं और चटनी को पीसते हैं तो जो गर्मी होती है उसकी वजह से हमारी चटनी का कलर थोड़ा काला सा हो जाता है। पर अगर आप ठंडे पानी के साथ इसे पीसेंगे तो देखिए सेम यही कलर आपको मिलेगा आपकी चटनी का, एकदम ब्राइट ग्रीन कलर। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी चटनी बनाएं इस टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं दूसरी चटनी की हमारी। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बिना बीज वाले खजूर, जिन्हें सीडलेस खजूर या डेट्स भी कहते हैं, और यहाँ पर मैंने ले ली है इमली, इसमें भी हमने बीज निकाल लिए हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में इस तरह के डाल देंगे और साथ ही इसमें हम डाल देंगे खजूर को। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। पानी यहाँ पर आप आधा गिलास डाल सकते हैं। अब इसको हमें रखना है प्रेशर कुकर में, तो मैंने गैस पर एक प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हमने एक स्टैंड भी रख दिया है और 2 गिलास जितना पानी डाल दिया है। तो हमें क्या करना है, इसमें इस जो इमली और खजूर का जो बर्तन है इसे रख देना है इस तरह से। अब इसे ढक्कन लगा के हमें कम से कम 3 सीटी आने तक इसे पकने देना है। ऐसा करने से आपकी चटनी बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और उसे पकाने में आपको बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए 2 सीटी भी आ चुकी है, तो 1 सीटी हम और आने देंगे, और जैसे ही 3 सीटी आ जाएगी हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और जब प्रेशर कुकर अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम उसमें से जो हमने डेट्स और इमली रखी थी उसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए अभी अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, मैंने इसे आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अब हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल लेंगे। हमें इसका एक बारीक पेस्ट तैयार करना है। ये बहुत अच्छे से गल चुकी है 3 सीटी से, तो इसे पीसने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे, लगभग 3-4 चम्मच जितना, ताकि ये पीसने में आसानी से पिस जाए। तो इसे हमें अब एक स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है इस तरह से। ये देखें अभी हमारी चटनी रेडी नहीं हुई है, तो अब हमें जो मेन स्टेप है इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए, इसे हमें छानना है। छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमने इमली डाली थी उसमें जो रेशे होते हैं वो अगर आप छानेंगे नहीं तो खाते समय वो आपके मुंह में लगेंगे, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसे छानने में थोड़ा सा टाइम आपको ज़रूर लगेगा, पर एंड रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहेगा, जो आपकी चटनी बनेगी वो एकदम स्मूथ बनेगी। ये देखिए मैं इन्हीं की बात कर रही थी, तो बाकी का बचा हुआ जो इमली और खजूर का पेस्ट है उसे भी हम छान लेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे आपको करनी पड़ेगी। अब जो ये लास्ट का थोड़ा सा बचा है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, 2 चम्मच जितना, और इसे अच्छे से हम इस तरह से कंटिन्यू चलाते हुए छान लेंगे, ताकि जितना भी पल्प है वो सब नीचे हमारे बाउल में आ जाए और ऊपर सिर्फ यही रह जाए जो ये इमली और खजूर का जो रेशा बचा है। देखिए कितना सारा निकला है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर।
अब हम गैस पर ले लेंगे एक सॉस पैन। इसमें हम डाल देंगे एक कटोरी गुड़, हमने एक कटोरी खजूर, एक कटोरी इमली और एक कटोरी ही गुड़ लिया है। आप चाहें तो गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं। फिर हम इसमें डाल देंगे आधा कटोरी जितना पानी। अब हमें इस गुड़ को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही गुड़ पूरी तरह से पिघल जाए, हम इसमें डाल देंगे इमली और खजूर का जो पेस्ट हमने बनाया है उसको, और गैस को हम इस पॉइंट पर स्लो कर देंगे एकदम। इसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैंने लिए हरी वाली सौंफ, ड्राई जिंजर पाउडर जिसे सौंठ भी कहते हैं, लाल मिर्च का पाउडर, नमक, काला नमक और भुने हुए जीरे का पाउडर। तो इन सभी चीज़ों को हम डाल देंगे इस चटनी में। ये सब चीज़ें डालने से चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। तो आप हो सके तो जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो उसे आप ज़रूर डालिए। हरी सौंफ और जो हमने इसमें अदरक का पाउडर डाला है, ड्राई जिंजर पाउडर या सौंठ पाउडर जिसे कहते हैं, वो डालने से इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो उन दोनों को आप स्किप मत कीजिए। तो 5 मिनट तक हमें इसे पकने देना है। अब हम इसे निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे। ये देखिए ठंडी हो चुकी है, तो इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आप भी इस चटनी को इस तरीके से एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा। बहुत कम टाइम में आपकी ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी और टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये देखिए इसका कलर और इसकी कंसिस्टेंसी। और बची हुई चटनी को हम इस तरह से एक ग्लास जार में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आप चाट के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। तो जल्द ही मिलती हूँ किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड